नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर घुटियानी में। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जिसके द्वारा सांस ग्रहण करता है उसे नासिका छिद्र कहते हैं। जो नाक रहता है मनुष्य इसी के द्वारा क्या करता है, श्वास ग्रहण करता है। यह नासिका छिद्र ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। यह नासिका छिद्र ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रास नली में क्या होता है, मुख गुहा जो रहता है, ये मुख गुहा और नासिका छिद्र दोनों आपस में ग्रास नली के पास जुड़े हुए रहते। यही ग्रास नली धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाता है, जिसके द्वारा एक भाग से भोजन जाता है और दूसरे भाग से हम श्वास लेते हैं, जो कि नासिका छिद्र से जो श्वास ग्रहण करते हैं वह श्वास नली में पहुंचता है। यही नासिका छिद्र किसके द्वारा जुड़ा रहता है, ग्रास नली के द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रास नली आगे लैरिंग्स में जाके खुलता है। ग्रास नली आगे किस में जाके खुलता है, लैरिंग्स में आके खुलता है। लैरिंग्स जिसे गला कहते हैं, गला, ये गला लैरिंग्स। इसी जगह वॉइस बॉक्स भी रहता है जिसके द्वारा हम बोलते हैं। यदि मान के चलिए इस जगह चांप दीजिएगा तो आवाज नहीं निकलेगा, चांप के देखिए आवाज ही कम निकलने लगेगा। तो इसी जगह लैरिंग्स के पास ही क्या रहता है, वॉइस बॉक्स रहता है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य बोल सकता है। यही लैरिंग्स आगे ट्रेकिया के द्वारा जाता है जिसे श्वास नली कहते हैं। यही लैरिंग्स आगे ट्रेकिया के द्वारा आगे बढ़ा हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। यही ट्रेकिया श्वास नली दो भागों में बट जाता है। यही ट्रेकिया आगे श्वास नली कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है, जिसे ब्रांचियोस कहते हैं। और यही ब्रांचियोस कई ब्रांचियोलस में बट जाते हैं। यही ब्रांचियोस कई ब्रांचियोलस में बट जाते हैं। ब्रांचियोलस आगे जाके एक छोटे छोटे थैली नुमा संरचना के रूप में, गोल गोल संरचना के रूप में, थैली नुमा संरचना के रूप में फैले हुए होते हैं, जिसे हम वायुकोष्ठक एवियोलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुकोष्ठक और एवियोलस। इसी जगह जब हम श्वास ग्रहण करते हैं, तो ग्रासिका में पहुंचता है। ग्रासिका के द्वारा यह सांस लैरिंग्स में आता है। ग्रासिका के द्वारा यह सांस किस में आता है, लैरिंग्स में। यही श्वास फिर धीरे धीरे लैरिंग्स के द्वारा ट्रेकिया में पहुंचता है। ट्रेकिया में श्वास पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये ब्रांचियोस में पहुंचता है श्वास, फिर ब्रांचियोस के बाद आदर ब्रांचियोलस में पहुंचता है। फिर यही श्वास ब्रांचियोलस में पहुंचने के बाद एवियोलस में पहुंच जाता है। यही श्वास किस में पहुंच जाता है, एवियोलस में पहुंच जाता है, वायुकोष्ठक में पहुंच जाता है। जिस तरह से इसे ऐसे समझिए आप, जिस तरह से छत पर पानी का टंकी रखते हैं, पानी का टंकी ये रखें, इसके द्वारा नल लगा दिया जाता है। इसके द्वारा पाइप के माध्यम से क्या लगा दिया जाता है, नल लगा दिया जाता है। अब यह नल कई भागों में बट जाता है। उसी तरह से हमारा श्वास नली भी है। ये मान के चलिए बहुत सारा वातावरण में क्या है, वायु है, ये टंकी का काम करता है। हम श्वास लेते हैं, श्वास जैसे लिए, श्वास लिए तो श्वास ये ट्रेकिया के माध्यम से, ग्रास नली लैरिंग्स होते हुए ट्रेकिया के माध्यम से ये कहाँ पहुंचता है, ब्रांचियोलस, ब्रांचियोलस के माध्यम से फिर किस में पहुंचता है, वायुकोष्ठक एवियोलस में पहुंच जाता है। एवियोलस में ही वायु उपयोग रहता है, मतलब ये वायुमंडल का हम ऑक्सीजन लेके ग्रहण किस में कर लेते हैं, एवियोलस में ले लेते हैं। इसे ही हम फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं, फेफड़ा। ये पूरे जितना भी दिख रहा है एवियोलस, ब्रांचियोलस,
और ब्रांचेस को मिलाकर पूरे को क्या कहते हैं, फेफड़ा। जब यह डायफ्राम नीचे की ओर आता है, जब हम सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे की ओर आता है। यह डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम यह फेफड़ा के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। ये फेफड़ा के माध्यम से डायफ्राम क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यही डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे की ओर आता है, तो सांस इसमें एल्वियोलस में पहुंच जाता है, भर जाता है। फिर यह डायफ्राम जब ऊपर की ओर जाता है तो यह सांस जो बचा है कार्बन डाइऑक्साइड, यह बाहर निकल जाता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस लिए तो ऑक्सीजन लिए, छोड़े तो क्या छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम कहां चल जाता है, नीचे की ओर। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम कहां चल जाता है, ऊपर की ओर। ये पूरा फेफड़ा लंग्स जो है ना, एक लेयर, एक हड्डी नुमा लेयर सी आकृति के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये देखिए, ये जो फेफड़ा दिख रहा है आपको, ये एक हड्डी नुमा संरचना के द्वारा सी आकृति के द्वारा ढका हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। अपने देहात भाषा में क्या कहते हैं इसे, पसली, पसली तोड़ देंगे मारकर बोला जाता है, यही है पसली। इसी के अंदर क्या रहता है, फेफड़ा रहता है। जब हम सांस लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। वायुमंडल में बहुत सारा गैस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। हम सांस में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%, ऑक्सीजन का 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है, 0.03% रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारा चीज जाता है, ग्रहण जब हम सांस करते हैं सांस नली के द्वारा, तो ये सारा गैस वायुमंडल में रहता है, हमारी सांस नली में पहुंच जाता है। लेकिन नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। ये फेफड़ा केवल किसको ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर पाता है, ऑक्सीजन को ही ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर पाता है, वह भी 4% ही ग्रहण कर पाता है। ऑक्सीजन कितना ग्रहण कर पाता है, केवल 4% ही ऑक्सीजन फेफड़ा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, बाकी ऑक्सीजन हम श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वायुमंडल में ही छोड़ देते हैं। तो इन पूरी प्रक्रिया को फिर से देखेंगे कि श्वास हम श्वास नासिका के, नासिका छिद्र के द्वारा ग्रहण करते हैं, यही नासिका छिद्र ग्रास नली के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जो आगे जाकर लैरिंग्स में, गला में खुलता है, जिस जगह वॉइस बॉक्स मौजूद रहता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यही लैरिंग्स आगे ट्रेकिया में जाके खुलता है, यही ट्रेकिया के द्वारा क्या होता है, श्वास ग्रहण किया जाता है। जब ट्रेकिया के द्वारा श्वास ग्रहण किया जाता है तो यही ट्रेकिया फिर दो भागों में बट जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। क्योंकि हमारा जो फेफड़ा रहता है वो कितने रहते हैं, दो रहते हैं, एक दायां साइड, एक बायां साइड। यही ट्रेकिया कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में, एक दायां साइड, एक बायां साइड। इस ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ता है तो इसे ही क्या कहते हैं, ब्रांचियोस, ब्रांचियोस कहते हैं, ब्रांचियोस। यही ब्रांचियोस दो भागों में, कई भागों में बट जाता है, यही ब्रांचियोस कई भागों में बट जाता है, जिसे ब्रांचियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांचियोलस। यही ब्रांचियोलस आगे एक थैली नुमा संरचना बना लेता है, छोटे छोटे गोल रूप संरचना के रूप में बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक एल्वियोलस। क्या कहते हैं, एल्वियोलस। जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो ये डायफ्राम कहाँ आ जाता है, नीचे की ओर आता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। इस पूरे आकृति, ये पूरे आकृति को क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। जिस फेफड़े के अंदर क्या क्या मौजूद रहता है, एल्वियोलस,
ब्रांचियोलस और ब्रांचेस मौजूद रहता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर मौजूद रहता है। जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो इसे निश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्वसन। निश्वसन जब हम श्वास अंदर की ओर जैसे लिए तो ये क्या हो गया, निश्वसन। जब हम बाहर की ओर छोड़े श्वास को तो उसे कहेंगे निश्वसन। क्या कहेंगे? निश्वसन। यहां ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कि यहां पर निश्वसन और यहां निश्वसन बीच में विसर्ग है लगा हुआ, मतलब ये छूट रहा है श्वसन। यहाँ क्या हो रहा है? छूट रहा है बाहर की ओर जा। यहाँ देखिए श्वसन है, जब हम अंदर की ओर लिए तो इसे क्या कहेंगे, निश्वसन। जब हम अंदर की ओर लिए श्वसन तो क्या कहेंगे, निश्वसन। जब हम बाहर की ओर सांस छोड़े, जब श्वसन हम बाहर की ओर छोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, निश्वसन। क्या कहेंगे? निश्वसन। यहाँ देखिए श्वसन यहाँ आके छूट रहा है बाहर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्वसन, बाहर जा रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। जब श्वास हम अंदर की ओर ले तो उसे क्या कहेंगे, निश्वसन। जब हम बाहर की ओर छोड़े तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। जब हम श्वास लिए, ग्रहण किए ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लिए तो ये कहां जाके ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड में मिलेगा। तो इस जगह एबियोलस में, ये जो एबियोलस थैली नुमा संरचना दिख रहा है, ये एबियोलस में नस जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा रहता है? नस जुड़ा हुआ रहता है। नस जिसे नस जो दिख रहा होगा, नस नस जुड़ा हुआ रहता है। एबियोलस में दिख नहीं रहा है, एबियोलस में नस जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? नस जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें जो है ना, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यही एबियोलस के माध्यम से उस नस में क्या चल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। जब नस में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसी के माध्यम से ऑक्सीजन किसमें पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? ब्लड में पहुंच जाता है। और जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाता है, जब श्वसन श्वसन लिए तो श्वसन क्या करेगा, कुछ कार्य करेगा। तो वे क्या, श्वसन जब हम लिए, श्वसन लिए तो कार्य क्या करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंच कर क्या करेगा, नस में जाएगा। नस में किस में जाके मिलेगा, ब्लड में मिलेगा। ब्लड में मिलके जब हम जो खाना खाते हैं, जो पाचन होता है, ग्लूकोज अणु को तोड़ने का काम यही ऑक्सीजन करता है। यही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज अणु को तोड़ने का कार्य करता है। तो श्वसन जब हम अंदर की ओर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन। और जब श्वसन बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो निःश्वसन और निःश्वसन समझिए। अब बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन समझते हैं। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? बाह्य, जो बाहरी तरफ जैसे श्वास नासिका छिद्र से और एबियोलस तक, नासिका छिद्र से और एबियोलस तक जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, इसे ही बाह्य श्वसन कहते हैं। जब हम श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं नासिका छिद्र से एबियोलस तक, इसे ही क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन समझिए, आंतरिक श्वसन समझते हैं। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? अब जो एबियोलस में मौजूद है ऑक्सीजन, ये जो हम श्वास श्वसन लिए, श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब एबियोलस में पहुंच जाएगा तो ये एबियोलस के द्वारा ऑक्सीजन कहां जाएगा, नस में। नस के द्वारा किस में जाएगा, ब्लड में। ब्लड में जो मिलेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन जो जाएगा तो ये ग्लूकोज अणु को तोड़ने का काम करेगा। ग्लूकोज अणु को जब तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज अणु टूटता है तो क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। यही होता है आंतरिक श्वसन, इसे ही क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को भी बांट दिया गया है, जिसे कहते हैं श्वसन के प्रकार। क्या कहते हैं? जिसे श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार,
अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। आगे एक वीडियो दिखाया जाएगा आप सभी को जो 2-3 मिनट का होगा, इसके द्वारा हम समझेंगे कि नासिका छिद्र से हम जो सांस ग्रहण करते हैं एबियोलस तक पहुंचता है और एबियोलस के द्वारा किसमें पहुंचता है, फिर नस के माध्यम से ब्लड में पहुंचता है। उसके बाद हम समझेंगे अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes, the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood, containing RBCs, is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known. अब श्वसन के प्रकार को समझते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति होने से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब ग्लूकोज अणु टूट कर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और 2 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। कितने ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं? 2 ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण मांसपेशी में दर्द महसूस होने लगता है। लैक्टिक एसिड के ही कारण मांसपेशी में क्या उत्पन्न होने लगता है? दर्द महसूस होने लगता है, थकावट महसूस होने लगता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ही क्या होता है?
लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण शरीर में थकावट और दर्द महसूस होने लगता है। किसकी अनुपस्थिति के कारण? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण। जब अनॉक्सी शोषण होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अनॉक्सी शोषण में कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? 2 ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं, जिसके कारण शरीर में क्या होता है? थकावट महसूस होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा का तो निर्माण होता ही नहीं तो थकावट महसूस होगा। अब ऑक्सी शोषण को समझते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति ये ऑक्सीजन ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। कितने ATP ऊर्जा? 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है, जिसके साथ फिर 38 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। यही ऑक्सी शोषण को 2 भागों में बांट दिया गया है। यही ऑक्सी शोषण को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ऑक्सी शोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं। अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड निर्माण होता है। ग्लूकोज अणु टूट कर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और 2 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। यही लैक्टिक एसिड के कारण शरीर में क्या होता है? थकावट महसूस होता है और आलसपन होता है। ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और 38 ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं। कितने ATP ऊर्जा? 38 ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऑक्सी शोषण को 2 प्रकार है। ऑक्सी शोषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। हम जानेंगे विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। अमीबा। अमीबा में श्वसन शरीर के सतह के द्वारा होता है। अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? शरीर के सतह के द्वारा। केचुआ। केचुआ में श्वसन शरीर के सतह या त्वचा के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा। केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? शरीर के सतह या तो त्वचा के द्वारा होता है केचुआ। कीट। कीट में श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? ट्रेकिया। ट्रेकिया भी जो बताए। जीवाणु। जीवाणु में मीसोसोम के द्वारा श्वसन होता है। जीवाणु में किसके द्वारा श्वसन होता है? मीसोसोम के द्वारा। सरीसृप। सरीसृप रेंग वाले जीव जो सांप होते हैं, सरीसृप, उसमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम से। पक्षी। पक्षी में श्वसन किसके माध्यम से होता है? फेफड़ा के माध्यम से। स्तनधारी। स्तनधारी जीवों में श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम। स्तनधारी जीव उसे कहते हैं जो जंतुओं को जन्म देते हैं और जो स्तनपान कराते हैं, तो स्तनधारी जीवों में फेफड़ा के माध्यम से श्वसन होता है। मछली। मछली में श्वसन गलफड़ा या गिल्स के माध्यम से होता है। मछली में श्वसन किसके माध्यम से होता है? गलफड़ा या तो गिल्स के माध्यम से। मेंढक। मेंढक में श्वसन मुख गुहा से होता है या तो त्वचा या तो फेफड़ा से भी होता है। मेंढक। मेंढक में श्वसन किसके माध्यम से होता है? मुख गुहा या तो त्वचा या तो फेफड़ा के माध्यम से होता है।